भाई एक बार फिर से स्वागत है आपका एमवी कलेक्शन की वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। जो बोर्ड देख रहे हो, ये नया बोर्ड काफ़ी दिनों बाद एक लॉन्च हो रहा है। बाकी आगे नए नए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो आपको कभी आपने देखे भी नहीं होंगे। बाकी तो उसकी बात जब भी करेंगे जब वो हम रिलीज़ करने वाले होंगे। तो यहाँ पर आप जो बोर्ड देख रहे हैं ये है एमवी कलेक्शन का सबवूफर बोर्ड। काफ़ी लोगों की डिमांड आई थी कि सर आप सिर्फ एक सबवूफर के लिए बनाओ, उसमें हमें लो पास फिल्टर लगाना पड़ता है, हमें लगाना पड़ता है, वो लगाना पड़ता है। क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है जो भी एम्पलीफायर बिल्ड करते हैं अपना, वो चाहते हैं कि हमारे एम्पलीफायर में एक चैनल सबवूफर का हो जिसमें प्योर सबवूफर हो। उसके लिए उन्हें या तो 2.1 वाला बोर्ड लगाना पड़ता है जो लोग 1000 रुपये का बेच रहे हैं, और एक या फिर उन्हें सबवूफर बोर्ड लगाना पड़ता है जो कि हमारा इतना सस्ता प्यारा सा छोटा सा बोर्ड है। ठीक है, तो हमने दोनों का झंझट खत्म करने के लिए, भाई अगर किसी को सबवूफर चैनल चलाना है तो सबवूफर के लिए क्या होता है कि सबवूफर में पावर चाहिए होती है, दम चाहिए होता है। ठीक है, तो उस दम के लिए देखिए हीट सिंक आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, कितनी हैवी हीट सिंक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बोर्ड है स्पेशली सबवूफर के लिए बनाया गया है जिससे कि ये सबवूफर में बिल्कुल जान भर पाए, एकदम ताकत आ जाए। और ये आप देख रहे हैं एक पेयर यहाँ पर लगा हुआ है 5200 और 1943। ठीक है, और यहाँ पर लगे हुए हैं 1897 और 1897 का पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक 5200 का पेयर है कहते हैं कि 100 वाट से ऊपर नहीं देता है। तो भाई अभी मैं देखो, आपने जितनी भी एमवी कलेक्शंस की वीडियो देखी होगी, सब लोग लाते हैं कि मेरा 2400 वाट का बोर्ड, मेरा 2500 वाट का बोर्ड, या फिर मेरा क्या कहते हैं एमटी प्रो का बोर्ड, इसका बोर्ड, उसका बोर्ड, जो कि कोई चलाकर नहीं दिखाता है। पता नहीं क्यों नहीं चलाकर दिखाता है। हम यहाँ पर ये जो सेटअप आपको लगा रखा है सारा कुछ एमवी कलेक्शन का यहाँ पर रखा हुआ है, हम आपको हर एक वीडियो में चलाकर और समझाकर बताएंगे। यहाँ पर सबवूफर रखा हुआ है भाई, ये 100 वाट का बोर्ड है, और ये सबवूफर जो है आप देख रहे हैं 1700 वाट इसमें PMPO लिखा हुआ है, और ये 350 वाट RMS का सबवूफर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लोड जो है ना, हमेशा जो भी हम वीडियो दिखाते हैं ओवरलोड टेस्टिंग करके दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारा बोर्ड कितना झेल सकता है और कितना बढ़िया काम करता है। मैं कह रहा हूँ आपको, अगर आप आधे घंटे के लिए चलाएंगे ना तो आपको इसमें हीट सिंक में फ़ैन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आधा एक घंटे तक ये 350 वाट लोड RMS पे आराम से चलता रहेगा, एकदम कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बोर्ड में। और मैं आपको बता दूं कि इसमें 30-0-30 से ऊपर ट्रांसफार्मर नहीं लगा सकते। अगर आपको 30-0-30 से ऊपर लगाना है या 40-0-40 यूज़ करना है तो ये जो हमारा फिल्टर कैपेसिटर है इसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। ये 4750 लगा हुआ है, फिर आपको यहाँ पर 4780 या फिर जो भी बड़ी वैल्यू आती है 100 वोल्ट तक कोई भी लगा सकते हैं, तब जाकर आप इसमें 40-0-40 यूज़ कर पाएंगे। बाकी मैं तो कहूँगा कि 40-0-40 की जरूरत ही नहीं है, इसमें 30-0-30 में बहुत तगड़ा जो है आपको आउटपुट मिल जाता है, जो कि अभी मैं आपको वीडियो में चला कर दिखाऊँगा। तो ये जो बोर्ड है इसके कनेक्शन में आपको एक बार समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 27 0 27 6 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर 6 एम्पियर तक 27 0 27 आप लगा सकते हो, या 6 एम्पियर या 10 एम्पियर भी लगा सकते हो, हम आपको बता रहे हैं वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर 10 एम्पियर भी लगा सकते हो, 30 0 30 का ट्रांसफार्मर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर 35 एम्पियर का रेक्टिफायर लगा हुआ है, पीछे लगे हुए हैं JWCU के हमारे 4750 के कैपेसिटर, जो कि हमने देखा कि सबवूफर पे सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे पा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बाकी जो कनेक्शन है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर लगता है वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम की टोन लगती है यहाँ पर, जिस तरह से ये मैंने आपको कनेक्शन यहाँ पर दिखा रखा है। ये वॉल्यूम की टोन वगैरह सब कुछ आपको साथ में दिया जाएगा, सारे कनेक्टर जो भी इसमें यूज़ होने वाले हैं सारे कुछ साथ में दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये वाला जो चैनल है ये है इनपुट का, तो इसमें डुअल इनपुट जाता है, कहने का मतलब आप इसमें BT मॉड्यूल से जिस तरह से हमने ये वायर यूज़ कर रखी है, इस तरह से आपको सारे कनेक्टर्स वायर सब कुछ साथ में दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस बोर्ड की टेस्टिंग की। ठीक है, टेस्टिंग के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एमवी कलेक्शन का 30-0-30 फुली कॉपर ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो 30-0-30 फुली कॉपर, ठीक है, जो साफ बोला गया है, जैसा बोला गया है वैसे ही आपको मिलेगा। ऑफलाइन हमसे लीजिए, डायरेक्टली हमसे लीजिए, क्योंकि बीच में काफ़ी सारे दलाल लोग बीच में दिक्कत कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको बिल्कुल कॉपर मिलेगा, प्योर टैग में क्वालिटी है, आपको क्वालिटी दिखी जाएगी। बाकी यूट्यूब पर भी आपको कुछ अनबॉक्सिंग वीडियो मिल जाएगी जो कि हमारे कस्टमर्स ने डाल रखे हैं। ठीक है, तो जिसको भी भाई जिसको भी हमारा जब भी किसी के पास बोर्ड डिलीवर होते हैं अगर उन्हें पसंद आते हैं तो प्लीज़ उसको क्या कहते हैं YouTube पर अपलोड करा कर दीजिए कि हाँ हमने एमवी कलेक्शन का, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि बुराई करने वाले बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो उन्हें दिखाओ कि एमवी कलेक्शन जो है क्या क्वालिटी डालता है, क्योंकि जितने मैन्युफैक्चरर हैं सारे छिट छिट कर बुराई करने लग गए हैं। तो अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि भाई जैसे एमवी कलेक्शन है, हम कहते हैं ब्रांड है, ये नाम नहीं, ब्रांड है। ठीक है, तो ब्रांड हम इसको क्यों कहते हैं मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि सिर्फ नाम लिखना, जैसे मान लीजिए किसी ने अपने नाम पर ब्रांड डाल दिया, ठीक है, कोई अपने नाम पर लिख देता है ब्रांड, तो ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ लिखने से नहीं होता है, ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड चीज़ होती है। भाई थोड़ा सा अगर किसी को स्किप करना है तो भाई स्किप मत करना, एक बार सुन लेना, जिससे कि आप लोगों को चल जाए पता कि एमवी कलेक्शन ब्रांड है या क्या है। तो भाई जल्दी जल्दी बता देता हूँ थोड़ा, तो कोई अपने नाम पर ब्रांड डाल लेता है, अपने नाम के आगे लिख देता है ब्रांड, तो उससे ब्रांड नहीं बनता है। ब्रांड बनता है गवर्नमेंट सर्टिफाई करती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखकर, किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग चल रही है और क्या क्या मैन्युफैक्चर होता है, उस हिसाब से उसको ट्रेडमार्क दिया जाता है। तो जो जिनके पास भी ट्रेडमार्क होता है उसमें देखो आप सीरियल नंबर आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमारे हर एक बोर्ड में, जितने भी एमवी कलेक्शन के ओरिजिनल बोर्ड है, भाई कॉपी की बात नहीं
कर रहा मैं, जितने भी एमवी कलेक्शन के ओरिजिनल बोल्ड है उसमें आपको सीरियल नंबर मिल जाता है 5028543। ठीक है, तो ये मैंने आपको सीरियल नंबर बता दिया है, ये किसी के बोर्डों में नहीं दिखेगा, नकली लिखवाए, तो मैं आप पेपर्स दिखा देता हूँ आपको, मैं प्रूफ दिखाऊंगा कि एमवी कलेक्शन किस तरह का ब्रांड है। ठीक है, तो यहाँ पर आज मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रूफ, ये देखिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये देखिए यहाँ पर स्टैंप लगी हुई है रजिस्ट्री की, तो ये हमारा जो ब्रांड है उसकी उसकी रजिस्ट्री है। यहाँ पर हमारा एड्रेस लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। यहाँ पर हमारा एड्रेस लिखा हुआ है जो कि हर कस्टमर को दिया जाता है, जहाँ पर आकर वो फैक्ट्री देख सकते हैं किस तरह से काम चल रहा है। बाकी मैं मानता हूँ हमारी कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है इतनी ज़्यादा, हम जो काम करते हैं बहुत ही छोटी जगह से, क्योंकि हम आपको मिनिमल रेट्स पर देते हैं, हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम कांच के ऑफिस में बैठकर और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ के यहाँ पर आपके लिए लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो आपको मैंने सीरियल नंबर दिखाया था 5028543, ये देखिए यहाँ पर ट्रेडमार्क नंबर, ये ट्रेडमार्क होता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ट्रेडमार्क नंबर 5028543, सेम नंबर आपको यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर कोई कहता है कि भाई हम ब्रांडेड हैं, हम ब्रांड है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा लोगो है। तो यहाँ पर आप देखिए सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा, एनेक्स सर्टिफिकेट नंबर, डेट इस तारीख को, और ये रहा हमारा एम वी कलेक्शन का वो, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये जो है हमारा गवर्नमेंट, ये देखिए यहाँ पर सारे साइन वाइन हो रखे हैं, और ये हमारा जो है ब्रांड रजिस्टर्ड है बिल्कुल ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत। ठीक है, तो भाई मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग जी हाँ हमारे ब्रांड का, हमारे ब्रांड का एक SMD लगा दी तो SMD करने लग जाते हैं, या SMD, यार मैं आपको बोल रहा हूँ आप ऐसे जाकर मत लो दलालों से, क्योंकि दलाल कहते हैं हम मैन्युफैक्चरर हैं। भाई अगर एक बार जाओ तो सही उनकी फैक्ट्रियाँ देखो, जरा आपको चल जाएगा पता कि भाई क्या चल रहा है वहाँ पर, क्या नहीं चल रहा है। झुंझुनू ला रहे होते हैं बैठ के, कसम से कह रहा हूँ आपको, दिख जाएगा झुंझुनू ला रहे होंगे, 2-4 बच्चे बैठे होंगे छोटे छोटे, और वो झुंझुनू ला रहे होंगे बैठ के, और कहेंगे जी हमारा बोर्ड है, वो दलाली करके बेचते हैं। तो अब इस बात को छोड़ते हैं, क्योंकि भाई थोड़ा सा बताना ज़रूरी होता है कि जब भी कोई बोले ना कि आप ब्रांड का ले रहे हो, ब्रांड का माल ले रहे हो, नाम में ब्रांड अलग है, तो आप उनसे बोलो भाई अपना सर्टिफिकेट दिखाओ किस, तो आपको कैसे ब्रांड, क्या ब्रांड, क्या होता है ब्रांड, ब्रांड ये होता है भाई गवर्नमेंट सर्टिफाइड होता है, रजिस्टर्ड होता है। तो भाई इसको छोड़ो, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको चलाकर दिखा देता हूँ मैं एक बार, इसको वर्किंग दिखाते हैं इसकी, हमने सारे कनेक्शन यहाँ पर कर दिए हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे 3030 MV कलेक्शन है, ट्रांसफॉर्मर से वायर आ रही है, कनेक्टर भी आपको साथ में दिया जाएगा, यहाँ पर इसके कनेक्शन हो चुके हैं। और यहाँ पर जो है पीछे जो है यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार दूसरे बोर्ड में, यहाँ पर आपको स्पीकर का आउटपुट दिए हैं, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, मैं एक बार देख के बता देता हूँ आपको। हाँ ठीक है, ये वाला पॉजिटिव है, ऊपर वाला ये नेगेटिव है नीचे वाला, तो ये आपको कनेक्शन इस तरह से करने है। देखिए मैंने यहाँ पर इसी तरह इसको कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर जो हमारा सबवूफर है 350 वाट RMS का, ये ब्लूटूथ मॉड्यूल लगा हुआ है, ब्लूटूथ मॉड्यूल से इसमें सिग्नल जा रहा है यहाँ से, जो कि मैंने आपको बताया। अब ये कहेंगे कि ग्रीन वायर किस चीज़ का है, ग्रीन वायर मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। ग्रीन वायर है ग्राउंडिंग, जो कि हमने मॉड्यूल की, देखिए USB इस तरह से ग्राउंडिंग करी जाती है USB मॉड्यूल से, ये ग्राउंड वाला वायर ग्रीन वाला, इसके ग्राउंड में हमने जोड़ रखा है। ये देखिए यहाँ पर ये ग्राउंड है, इसमें हमने जोड़ रखा है, जिससे कि हमिंग को, जैसे ये हमिंग की प्रॉब्लम को हटाने के लिए होता है, क्योंकि भाई ओपन बोर्ड जब भी हम इस तरह से रखते हैं नंगे तारों में, तो हमिंग हल्की हल्की पकड़ ली जाती है। तो अब यहाँ पर हम एक सॉन्ग प्ले करते हैं, बढ़िया सा सॉन्ग प्ले करके आपको एक बार सबवूफर का प्रमोशन दिखा देते हैं, क्योंकि MV कलेक्शन सब कुछ दिखाकर बेचता है, जो सामने दिखेगा वही आपके पास आएगा। देखो वो कुछ नहीं है, अगर किसी को लगता है कि नहीं सर ये तो अलग है, ये वो चीज़ नहीं है, तो भाई वीडियो आप ध्यान से देखना, वीडियो में जो होगा वही आपको सेम मिलेगा जो आपके सामने आएगा। तो मैं वीडियो इसको गाने को सॉन्ग को प्ले कर देता हूँ, और यहाँ से पावर ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो आप इसका एक परफॉर्मेंस देखिए एक बार, ये हम यहाँ पर इसकी वॉल्यूम बढ़ाएंगे धीरे धीरे, ये देखिए भाई। आप जैसे जिस तरह से आप देख रहे हो यहाँ पर कि भाई इतनी तगड़ी जो आवाज़ है, देखो ये मेरे को टच करने पे ये पंपिंग पकड़ रहा है, तो भाई क्योंकि इसका गेन जो है ना बहुत बढ़िया है, बहुत तगड़ा गेन है, तो इसको हम कर देते हैं पावर ऑफ। मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ इसके बारे में। तो यहाँ पर आप जिस तरह से देख रहे हैं कि MV कलेक्शन का सिर्फ एक ट्रांजिस्टर वाला बोर्ड, यार आप लोग कहते हैं कि भाई एक ट्रांजिस्टर 100 वाट दे सकता है या इतना ही दे सकता है आप, यार ऐसा नहीं होता है। अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 100 वाट, अगर एक ट्रांजिस्टर 100 वाट ही देता है, तो 350 वाट का सबवूफर इस तरह से कभी जंप ही नहीं कर सकता है। तो इस तरह से होता है कि भाई जब भी किसी भी
बोर्ड का जो वाटेज होता है ना वो डिपेंड करता है उसके ट्रॉयडल पे, मेंशीज और ट्रांजिस्टर की क्वालिटी पे, ठीक है। तो जो ट्रांसफार्मर है वो आपको प्योर कॉपर मिलेगा, और जब ट्रांजिस्टर आपको इस तरह की क्वालिटी के मिलेंगे क्योंकि वो 350 वाट RMS को हिला सकते हैं और बोर्ड बिल्कुल भी हीट नहीं होता है। मैं आपके सामने देखो हाथ में पकड़ लिया। और हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर इसको थोड़ी देर ज़्यादा देर चलाओगे तो हल्का फुल्का हर एक बोर्ड हीट होता है। अब लोग क्या करते हैं उसमें हाथ रख के ऐसे बैठे रहेंगे, सर गर्म हो रहा है तो गर्म हो रहा है, सर वो गर्म होगा उसको ठंडा रखने के लिए ही हीट सिंक लगाई जाती है जिससे कि वो हीट ना हो। इसलिए हैवी हीट सिंक, बड़ी बड़ी हीट सिंक, एल्युमिनियम इतना सारा यूज़ करा जाता है, पैसा खर्चा करा जाता है जिससे कि वो हीट ना हो, ठीक है। तो धीरे धीरे इसी तरह से हम समझाते रहेंगे, सिर्फ ये नहीं करेंगे कि ये कंपनी का, ये हमारी इस कंपनी का हमने छाप दिया, इस कंपनी का हमने इसमें SMD लगा दिया, इसमें हम वो सब बकवास नहीं करते। क्यों? क्योंकि भाई हम किसी और कंपनी का नहीं, सिर्फ अपनी कंपनी का माल बनाते हैं, किसी और कंपनी का उठा के ये नहीं SMD लगा दी, SMD लगानी यार छोड़ो, जाइए फैक्ट्री में उनसे बोलिए भाई SMD हमें दिखाओ कहाँ पर मशीन लगी हुई है, कैसे लग रही है, अपनी शक्ल के साथ जो बच्चे झुंझुना जा रहे होंगे ना उनसे बोलना जाकर, ठीक है। तो भाई जिसको भी शक होता है, जिसको भी दिक्कत है, आइए फैक्ट्री में विजिट करिए, सामने देखिए ट्रॉडल वगैरह सब कुछ आपको दिखाई दिया है, हर एक वीडियो में आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और सब कुछ दिखाया जाता है तरीके से, और चलाकर भी चीज़ें दिखाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आजकल ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जिनको बोर्ड चलाने ही नहीं आते और वो यहाँ पर सेल करने के लिए बैठे हुए हैं कि हमने बनाया, भाई बनाने से पहले चलाना भी सीखना होता है। तो भाई गूगल भी कर सकते हैं, गूगल में सर्च करेंगे MV कलेक्शन तो आपको वहाँ पर भी लोकेशन मिल जाएगी और वहाँ पर भी आपको सीरियल नंबर यही मिलेगा, कुछ अलग नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों के पास सीरियल ही नंबर नहीं है, ब्रांड चला के बैठे हुए, नाम के आगे ब्रांड लगा के बैठे हुए, कोई फायदा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तो ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और भाई हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते लेकिन क्या करें, दुनिया ने ऐसा बना दिया, बुराई करनी पड़ती है क्योंकि छोड़ो यार। तो भाई ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और अगर इस बोर्ड को आप परचेस करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर आप फ्लिपकार्ट पर भी बाय कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पर बहुत अच्छे अच्छे ऑफर लगा दिए गए हैं, आप वहाँ पर भी जाकर बाय कर सकते हैं, या ऑफलाइन बाय करेंगे तो ऑफलाइन आपको हमेशा ऑनलाइन से सस्ता ही पड़ता है। तो ये ट्रांसफार्मर या फिर ये बोर्ड या फिर और भी इतने सारे जो हमारे MV कलेक्शन के ओरिजिनल बोर्ड्स हैं वो आप ले सकते हैं।